आई नो आपकी शूटिंग चल रही है जी। और आप बहुत मसरूफ है चौहत्तर तो पचहत्तर साल हाँ। हुए जिसमे सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हाँ। क्या, क्या क्या देखा सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए अपने बचपन के हवाले से भी वो दैट वेरी इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ से ताल्लुक है और क्या है और किस तरह सारा कुछ हुआ और इंडस्ट्री मैं कदम कैसे रखा पहले तो मैं आपको ये बताऊं क्या क्या देखा क्या क्या देखा ब्लैक एंड व्हाइट देखा उफ। फिर कलर देखा और अभी डिजिटल देख रहे हैं। अब डिजिटल <laughs> देख रहे <हैं। laughs> वो हो तीनों तीनो, 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 क्या बात और जहां तक आने का ताल्लुक है फिल्म इंडस्ट्री में समझ ले के ये प्लान के तहत नहीं था नहीं बिल्कुल ओके लेकिन शौक था मिटलो रोड की बैक साइड पे हम रहते थे जहाँ सन्मा कि एक कतारें हुआ करती थी और फिल्में रिलीज होती थी हम जाते थे मुझे याद है जब औलाद फिल्म रिलीज हुई साहब उसमें पहली बार आए एंड एंड दैट वाज द ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट तो उसकी सिल्वर हुईली थी स्नोबर सिनेमा में स्नोबर तो लोग जमा थे हम हम लोग स्कूल से आ रहे थे स्टूडेंट तो देखा बड़े शोर है क्या है जी एक्टर आये मैं तो पहली बार मैंने हबीब साहब को देखा कि वो ट्रॉफी लेकर निकले लोग शोर मचा रहे हैं फिर नैर भाभी वहां से नमोदार हुई उनको लोग मचा रहे वा वा वा। तो बहुत फैसिनेट हुआ कि ये काम करना चाहिए लेकिन मैं उस वक्त कल्थ नाइन्थ क्लास में था उसके बाद जब कॉलेज में गए तो जर्नलिज्म शुरू कर दिया कोई को अखबार हो रहा था तो उस जमाने में जावेद फाजिल साहब असिस्ट करते थे एस सुलेमान साहब को अच्छा तो मैंने उनसे कहा कि मैं बेकार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्शन में आऊ मुझे आप सुलू भाई से बात करके मुझे उनके साथ मौका दे दे उन्होंने सुलू भाई से बात की ठीक है यू में फिल्म सेवनटी में उस वक्त ब्लैक एंड वाइट फिल्म बन रही थी मैं एक फूल एक पत्थर सुलू भाई की और कलर फिल्म शुरू हुई थी मोहब्बत तेरी सूरत मेरी यहाँ अच्छा तो यूं एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैंने पंद्रह फिल्म असिस्ट की सेवनटी से लेके सेवनटी फाइव तक और सेवनटी सिक्स में पहली फिल्म लिखी सोसाइटी गर्ल और 76 की मेरी पैदाइश है इसीलिए तो लिखी थी <laughs> 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 जो लिखी आपने कहा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर बने और ये क्या experience की बेसिस पे लिखी आपने या शौक था क्योंकि भी, भी, फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायलॉग फिल्म का जो निटिंग है वो सारा एक डिफरेंट साइंस है ऑल टूगेदर डायरेक्शन एक डिफरेंट साइंस है नवान साहब टेक्निकल जॉब ओके अफसाना लिखा जा सकता है नॉवल लिखा जा सकता है लेकिन स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आपको टेक्निक से वाकफियत होनी चाहिए वो पांच साल मुझे मिली पांच साल मैंने सीखा एज एन असिस्टेंट किसी राइटर को असिस्ट भी किया नहीं बेसिकली तो मैं जर्नलिज्म कर रहा था अच्छा, लिखने की ओके, ओके, मेरे अंदर अच्छा उस बेसिस तो पे लेकिन कैमरा क्या होता है कैमरा वर्क क्या होता है एडिटिंग क्या होती है एडिटिंग वर्क क्या होता है डायरेक्शन क्या होती है मूव्स क्या होती है, म्यूजिक क्या होता है क्यों होता, होता है कैसे कंपोज होता है कैसे अरेंजमेंट होता है कैसे रिकॉर्डिंग होती है तो ये सब सीखने के बाद एक टेक्निक से वाकफियत हुई okay. स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आपको टेक्निकल होना बहुत जरूरी है जो सरकार ने पहली फिल्म लिखी वो फिल्म ऑफ दर कराराइट कौन सी सर सोसाइटी आई थी हमारी और उसके बाद सरकार ने कुछ ढाई सौ फिल्म लिखी है सरकार ने डायरेक्ट की अल्लाह मुझे याद है नुमान साहब जो पहली फिल्म पहला अवॉर्ड यंग बाईस तेईस साल का मैं था पीछे मुझे जगह मिली आर्ट्स काउंसिल में अवॉर्ड हो रहे थे निगार एवॉर्ड तो अनाउंस हुआ मेरा अवॉर्ड बेस्ट

जहां से मैं गुजर रहा था वहां मैडम बैठी थी मैडम नूजा ये गाल सुन छत तेरा ना है सैयद नूर मैं कहा जी तू बड़ी तरक्की करेगा मैं कहा हाँ 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 मैं कहा अच्छा मैं जाने लगा कहती मैं सुनते सही क्यों करेगा तेरे मैं कह जी क्यों कहने लगी मेरा अदा ना तेरे ना ना लग रहा है सैयद नूर, नूर। वाँ 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 वाँ। वाँ वाँ। ये उनकी दुआ पहली बार मुझे जो मिली। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा अवार्ड है जो सरकार के पास नहीं है अरे अरे वाह वाह तो ये के लिए आपने एक अलग घर लिया हुआ नहीं देखें जी अवॉर्ड जो है वो एक जिम्मेदारी का नाम है जैसे जैसे अवार्ड मिलते गए वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई अपने अंदर फीलिंग्स आती गई कि और अच्छा काम करना है और यही वजह है कि आज भी फिल्में बना रहे तो कभी कभी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि बंदा जाके करीब जाके यूँ अक्सर खड़ा होता है अवार्ड्स के पास तो ऐसा करते हैं आप मैं रोज ही करता हूँ 92 टू में सरकार ने पहली फिल्म डायरेक्ट की 93, 93 में। 93, कसम कसम और कसम के साथ ही फिर सुपरहिट फिल्म हुई वो हाँ। और ब्लॉकबस्टर थी और फिर उसके बाद जीवा जीवा तो सर सर याद एंटीम सर, एंटीम के दौर में चली थी व्हाट नॉट सर हैविंग सो मच ऑफ सक्सेस इन लाइफ माशाल्लाह और जितना भी आपने काम किया वो सराहा गया सुपर हिट है हाउ डू यू फील नाउ सर व्हेन पहले तो मुझे ये वजह भी बताइए कि क्यों हमारी इंडस्ट्री का ये हाल हुआ हाल इंडस्ट्री होना ही था होना ही था सब जगह हुआ

कोई गिर गया कोई उठ गया कोई बच गया ये ये हुआ है समझते हैं कि अपग्रेड नहीं किया लैब्स अपग्रेड नहीं हुई कि लोग बाहर से जाके हांगकॉन्ग से सिंगापुर से काम करवाते रहे बैंकॉक से काम ये ये रिवाज रिवाज भी रहे। भी मैंने डाला था ये रिवाज भी बाहर जाने का देखें पाकिस्तान में टू सी कैमरा फिल्म इंडस्ट्री में रहा है उससे ऊपर नहीं रहा टू सी कैमरा जो दुनिया में न्यूज में जो क्लिप्स चलते हैं उनको एक्सपोज करने के लिए वो बनाया गया था। ओके वो हमने उसको उस पर फिल्म बनाई जितनी भी बड़ी फिल्म आप देखे उससे पहले बड़े बड़े म्यूचुअल कैमरा थे जो जनरेटर से चलते थे आप अंदाजा लगाए जब लाखों में एक बनी रजा मीर साहब वहाँ पहाड़ों में लेके गए तो छह आदमी तो कैमरा उठा के ले जाते थे इतना बड़ा कैमरा होता था इस तरह जाके फिल्म बनी है। लेकिन टू सी से हम आगे नहीं जा सके ना किसी स्टूडियो के पास इन्वेस्टर नहीं आया जो इक्विपमेंट के अंदर पैसे डालता या ये जितने माशाल्लाह पांच बड़े बहरी जहाज लाहौर में खड़े थे स्टूडियो बारी शबाब ये बड़े लोगों के जो जो बना गए अपनी औलादों के लिए उनकी औलादों ने वे टेर नहीं की नहीं किया पैसे किया। हाँ, नहीं इक्विपमेंट की तरफ नहीं देखा देखा मैं आपको सर सिंपल सी बात बताता हूँ घर छोटे होते थे तो बड़े घर के लिए हमें सेट लगाने पड़ते थे इसलिए फ्लोर्स की जरूरत होती थी जब घर बड़े हो गए तो इनकी जरूरत तो कम, कम हो गई तो ओरिजिनल लोकेशंस पे शूटिंग होने लगी लेकिन ओरिजिनल लोकेशंस पे शूटिंग करने के लिए भी आपको लवाज़मात चाहिए हैवी लाइट्स नहीं चाहिए लाइट वेट लाइट्स चाहिए लो लाइट कैमरास लो लाइट कैमरास चाहिए लेंसिस ऐसे चाहिए नहीं थी फिर सिनेमास बड़े-बड़े थे गंदे सिनेमा थे खराब सिनेमा थे लोग अमीर हो गए थे लोग अच्छी जगह जाना चाहते थे लेकिन उनको जगह नहीं मिलती थी इसलिए लोग पीछे हटते चले गए और फिल्म एक ऐसी लाइन की तरफ चली गई जो रीजनल सिनेमा की तरफ चली गई ओके पंजाबी फिल्म, फिल्म, फिल्म बन रही है और पंजाबी फिल्म कराची में बन रही है सिंधी फिल्म बन रही है पश्तो फिल्म बन रही है सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद दोबारा आपके खिद में हाजिर होते हैं